नवी मुंबई नेटवर्क। प्रभाग क्रमांक 55 के पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल ने एरोली के विधायक गणेश नायक के माध्यम से आयुक्त राजेश नार्वेकर के समक्ष अपने प्रभाग के अंतर्गत आने वाले नवी मुंबई महानगर पालिका CBSE स्कूल क्रमांक 94 में शिक्षकों की कमी का मुद्दा बड़े ही आक्रामकता के साथ उजागर किया। मुनावर पटेल ने आयुक्त को ज्ञापन सुपुर्द करते हुए इशारा दिया कि अगर शिक्षकों की कमी का मुद्दा हल नहीं हुआ तो छात्रों और अभिभावकों के साथ नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के अंदर क्लास लेकर अनोखा आंदोलन किया जाएगा। मुनावर पटेल का आरोप है कि 2018 से संचालित इस CBSE स्कूल में 1235 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मगर उन विद्यार्थियों के लिए स्कूल में शिक्षकों का बेहद अभाव है और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, अन्यथा वे शांत नहीं बैठेंगे और तीव्र रुख अख्तियार करेंगे। आज आदरणीय लोक नेता गणेश जी नायक साहब के माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब के पास जो CBSE स्कूल है मेरे वार्ड में, उस CBSE स्कूल में शिक्षक की कमतरता है। बहुत दिन हो गए, कम से कम मैं 4-5 बार निवेदन दे चुका हूँ माननीय कमिश्नर जी को और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आज नायक साहब के माध्यम से मैंने कमिश्नर साहब के पास ये मांग फिर से एक बार दोहराई है कि जल्द से जल्द शिक्षक मिले, क्योंकि 1000 से अधिक बच्चे उस CBSE स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही घटिया है, मैं तो बोलूँगा घटिया है। जल्द से जल्द अगर शिक्षक ना मिले तो इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इस महानगर पालिका के सामने बैठकर सभी पेरेंट्स और बच्चों के साथ आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि आज जिस प्रकार से CBSE स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा बार बार उजागर हो रहा है, उसे देख कर कहीं न कहीं CBSE पैटर्न फेल तो नहीं हो रहा, ऐसी चर्चाएं अब जोरों पर चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।